Hey guys, है गाइस मैं हैप्पी मांगा टीवी आरोप आप लोगों का स्वागत करता हूं गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा तो गाइज लास्ट पार्ट में हम लोगो ने देखा था कि मो की मुँह और के बीच में एक फूड कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर मुँह अपने बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल स्किल्स दिखाकर बड़े ही आसानी से उस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है और मुँह का खाना इतना ज्यादा डिलीशियस होता है जिसकी वजह से रोंग रेनर उसकी प्लेट को लेकर वहां से भाग जाती है और उसको खाने के बाद मुंह से कहती है कि आज के बाद तुम फैंगी हाउस के चीफ इंस्ट्रक्टर रहोगे जिसके बाद सीन फेंगी हाउस के बाहर एक रेस्टोरेंट का होता है जहाँ पर कई सारे वी फैमिली के कैसे वहाँ पर खाना खाते हुए हंसी मजाक करते हुए कहते हैं फेंगी हाउस ये कभी भी नहीं सोच सकता की हमारी वी फैमिली ने उसके मास्टर शेफ को किडनेप कर लिया है अब फेंगी हाउस के मास्टर शेफ के गायब हो जाने की वजह से अब मुंह डेफिनेटली जरूर हार आ जाएगा जो बातें करते हुए वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं पर तभी उन्हीं उन्ही एक आदमी वहाँ पर न्यूज लाते हुए कहता है की बॉस जरा ऐसे देखो ये एक बहुत बुरी खबर है फेंगी हाउस के मास्टर शेफ लिहान के गायब हो जाने की वजह से डेनवा पविलियन के एक जीनियस मो को फेंगी हाउस का हेड शेफ बना दिया गया है ये देखकर उस लड़के की यहाँ खुले की खुली रह जाती है और वो कहता है क्या ये मो खाना भी बना सकता है जिसके बाद वहाँ पर एक फेंगी हाउस से बूढ़ा सा आदमी आता है जिसके हाथों में एक बॉक्स था uh -huh. और वो उन लोगों से कहता है कि ये बी फैमिली के मास्टर के लिए फैंकी हाउस से भिजवाया गया बॉक्स है और उस बॉक्स के साथ एक लेटर भी होता है जिसको उसका बॉस उठाकर कहता है कि इसे पढ़ो क्योंकि मैं इसे नहीं पढ़ सकता तो वहीं पर खड़ा हुआ लड़का उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम इसकी वजह से काफी नर्वस क्यों हो रहे हो जिसके बाद वो लड़का उस लेटर को पढ़ना चालू करता है और बोलता है की ये लेटर वो ने यहाँ पर भिजवाया है तो वो आदमी उस लेटर को पढ़ते हुए अपने बॉस को बताता है की इसमें लिखा है की मैं मुँह तुम्हारी वी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्यूँकी की तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ग्रांड पा मोह फेंगी हाउस के हेड शेफ बन पाए हैं और इसके अलावा वो फाइव मिलियन युवा के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये पढ़कर वो लड़का अपने बॉस को बताता है की बॉस उस दिन हमने मुँह के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक लड़की को पाँच मिलियन युवा दिए थे पर हमें ये नहीं पता था की वो लड़की भी मुँह से मिली हुई है लेटर को पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद वी फैमिली के वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनका बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है आखिर मुँह की हमारी वी फैमिली के साथ तो इस तरीके से कोई भी हरकत करने की हिम्मत भी कैसे हुई अब खाना खाना बंद करो और जल्दी से फेंगी हाउस के गेट को गाइड करना चालू करो और ये देखो कि वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो तुरंत ही उसको मार डालो जिसके बाद सीन फेंगी हाउस के अंदर दो दिन बाद का होता है जहाँ पर मो एक डिश को बनाने की बहुत कोशिश कर रहा था और उसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद मो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे सक्सेस मिल ही गई। आज रात मैं फेंगी हाउस की मास्टर का फेवर तुम्हारी वजह से ही गेन कर सकता हूँ जिसके बाद सीन आधी रात का होता है जहाँ पर फेंगी हाउस पूरी तरह से लाइटों में चमक रहा होता है जिसके बाद सीन आधी रात की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर फेंगू हाउस लाइट में चमक रहा था और आज रात की पार्टी के अंदर यंगे सिटी की टॉप फैमिली यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आने वाली थी जिसमें सेकंड लेवल गॉड्सलेय और कई सारी ऐसी फैमिलीज थी जो कि फर्स्ट लेवल की, फर्स की फैमिलीज थी जिसके बाद सीन मुरोन और लिंकियॉन के आने का होता है जहाँ पर मुरॉन के वहाँ पर आते ही एक लड़का मुरॉन की तरफ भागते हुए कहता है कि सिस्टर मुरॉन क्या मैं आपके वो छू सकता हूँ जो बोलकर वो मुरन की तरफ बड़ी रहा होता है पर तब फेंगी हाउस के फर्स्ट सोर्समैन उसे पकड़ लेते और कहते कि यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते आप इस मुरन के साथ इतनी गंदी तरीके से बात नहीं कर सकते जिसके बाद वो मुरन से उस लड़की की तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि ये बस यहाँ पर मजे करने के लिए आया है इसलिए प्लीज इन्हें माफ़ कर दीजिएगा मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर फेंगी हाउस के मास्टर के अराइवल का होता है और फेंगी हाउस की मास्टर का नाम मीवू है मीवू के वहाँ पर आते ही सभी लोग उसकी तारीफे करना चालू कर देते हैं और सभी बड़ी बड़ी फैमिलीज के मार्शल आर्टिस्ट मीवू के सामने अपना सिर झुकाते हुए उसको ग्रीट करते हैं तो मीवू उन लोगों से कहती है की आप लोग मेरे गेस्ट हैं प्लीज आराम से बैठिए और मो भी मीवू को देखते हुए बोलता है की मैं बस तुम्हारे पास ही आने वाला हूँ फिर पार्टी स्टार्ट हो जाने के बाद सभी लोग खाने का एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वही रोंग रेनर मीवू के पास खाना ले जाते हुए कहती की मास्टर प्लीज कुछ खा लीजिए अगर आप इसी तरीके से खाना नहीं खाएंगे तो मुझे आपकी चिंता होने लगेगी पर उसे कहती कि नहीं इसे यहाँ से ले जाओ वैसे भी अभी तक हमारा मास्टर शेफ अभी तक यहाँ पर नहीं लौटा है पर वो अपनी बात पूरी कर पाते उसे ही पहले पाती है करने लगता है जिसकी वजह से रॉन्ग रिनर भी थोड़ी सी घबराते हुए बोलती है आखिर इतनी जल्दी में यहाँ पर कौन आ गया फैंगी हाउस की मास्टर का मूड अभी बहुत ज्यादा खराब है और इस समय आखिर कौन गेट को नॉक कर रहा है पर तभी मो गेट को खोल कर अंदर आ जाता है और कहता है कि हाउस की मास्टर मैं आपके लिए यहाँ पर ये डेजर्ट लेकर आया हूँ तो मो को वहाँ पर देख कर रॉन्ग रेनर भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है जिसके बाद जिसके बाद वो मीवू के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाने लगती है पर मीवू मो को घूरते हुए उसे कहती है की यहाँ से ले जाओ ये देख कर मुँह और रोंग रेनर दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है और रोंग रेनर मुंह ऐसी कहती है की मास्टर ये हमारे हेड शेफ है जिन्हें मैंने आपके लिए ढूंढा था इनका बनाया हुआ खाना सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है और मो भी मीवू से कहता है कि मास्टर एक बार इसको खाकर देखिए अगर आपको ये एक बार में अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ इसको ले जाऊंगा पर मीवू काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है की मुझे तुम्हारे खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसे यहाँ से ले जाओ जो बोलते हुए वो मो को काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है जिसकी वजह से मो भी काफी ज्यादा घबरा रहा था पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है लियो ने एक बार मुझसे कहा था की कोई अगर खाने को रिजेक्ट कर देता है इसका मतलब उसे जीने की कोई भी चाह नहीं है फिर वो अपनी डिश को वही आरोप रख कर कहता है की मास्टर मैं इसे यही आरोप कर जा रहा हूँ अब ये आपके ऊपर है की आपको इसको खाना है या नहीं पर तभी नीचे ऐसी लोगों के उस डेजर्ट को खाने के बाद आवाज ऐसी आती है की सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं सच में क्या इसी तरीके का कोई डिलीशियस डेजर्ट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है इस एक कप को खाने के बाद मेरा मन नहीं भरने वाला मुझे एक और कप लेने जाना होगा उन लोगों की आवाज सुनकर मीवू का ध्यान भी उसके ऊपर जाने लगता है और वो अपने उनमें सोचती है क्या मुझे भी इसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए फिर मीवू उस कप को उठा एक बार उसको तो ट्राई करने की सोचती है जो देख कर रॉक रेनर भी खुश होते हुए कहती की आखिरकार मास्टर ने कुछ तो खाया जिसके अगले सीन में मीवू मुँह के कपड़े को पकड़ कर उसे कहती है की रुक जाओ क्या मुझे एक और कप मिल सकता है पर मीवू को देख ऐसा लग रहा था की वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मो हर एक लड़की को अपना दीवाना बना देगा रॉन्ग रेनर भी मीवो को इस तरीके से देख बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मास्टर ने पूरी तरह ऐसी खाना खा लिया है ये देख कर वो भी काफी ज्यादा खुश होती है जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर आपको इस तरीके से खाता हुआ देख कर सच में मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई जिसके बाद वो फिर से मुँह के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए मीवो को बताती है कि असल में ये हमारे डेनवर्न पविलियन के एक लिरिकिस्ट है इस लड़के का नाम मोह है जिसने हाल ही में हमारे हेड शेफ की पोजीशन को संभाला हुआ है मो का नाम सुनने के बाद मीवू रोग नेर को रोकते हुए कहती है कि एक मिनट के लिए रुक जाओ क्या इस लड़के का फर्स्ट नेम कुन है तो मो भी मीवू के इतने ज्यादा करीब आने की वजह से शर्माते हुए कहता है की मेरा नाम को मो है मीवू ने मो के चेहरे को काफी जेंटली पकड़ा हुआ था और वो उसको देख कर बोलती है की इसका चेहरा उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है मैं कोई गलती नहीं कर सकती तुम तो सच में उसी की तरह दिखते हो तो मो मीवू से पूछता है की आखिर आप किसके बारे में बात कर रही है पर मीवू अपने मन में सोचती है कि इसकी आईलिस बिल्कुल उसी की तरह है पर साथ ही वो थोड़े से दूर होते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता मैं उसे कभी भी नहीं मिली पर मैं इस चीज़ के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ की हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले पर साथ ही मीवू मोह से कहती है की आज से मेरी डेली डाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है मुझे क्या खाना है या क्या नहीं वो सब तुम ही देखोगे तो मोह मीवू से कहता है की ठीक है मास्टर मैं इसके लिए तैयार हूँ पर मो साथ ही अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज है मैं तो केवल फेंगी हाउस के अंदर इसलिए आया था जिससे मैं गॉड स्लेयर ट्रायल के अंदर अपने आप को क्वालिफाई कर, कर उसके अंदर जाकर ट्रायल दे सकूँ पर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था की मेरा यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जिसके बाद हमें लिंकटियान उसी लड़के को दिखाते हैं जो नीचे से मुँह को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या ऊपर जो लड़का है आप उसे जानते हैं उसी ने यहाँ पर सारा का सारा खाना बनाया है तो लिंकटियन ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है की आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो पर जैसे ही वो मुँह ऊपर की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है की मो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और वो लड़का भी मो का नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेरे फादर इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे किसी ने मुझसे कहा था कि ये मेरे फादर के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है जिसके बाद हमें फेंगी हाउस के अंदर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुँह एक हॉल के अंदर फैंगी हाउस के सभी मास्टर की फोटो देखते हुए जा रहा था और वो कहता है की टावर के अंदर सभी लोगों की पेंटिंग है जो की इस समय पर इस फेंगी हाउस की मास्टर रह चुकी है यानी मी वो भी एक मार्शल आर्ट है और मो के साथ आई हुई वो सर्वेंट मो से कहती है की प्लीज आप थोड़ी देर यहीं पर वेट कीजिए फेंगी हाउस की मास्टर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर आ जाएंगी और वहाँ पर मो सभी पेंटिंग्स में सबसे बड़ी पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पेंटिंग है पर आखिर ये लेडी कौन है और इसको देख ऐसा क्यों लग रहा है की मैं इसे पहले से जानता हूँ मीवू वहाँ पर आते हुए मुँह ऐसी कहती है कि ये खूबसूरत नहीं है एक समय पर ये फैंगी हाउस की टॉप सिंगर हुआ करती थी इसका गाना बहुत ज्यादा प्रीशियस हुआ करता था जिसकी वजह से इसके एक गाने को सुनने के लिए थाउजेंड पीस ऑफ गोल्ड देना पड़ता था उसी के बाद कुछ लोग इसका गाना सुनने के लिए यहाँ पर आ पाते थे अगर आज ये हमारे साथ यहाँ पर जिंदा होती तो आज मेरी जगह पर टावर की थ्रोन इनका होता और इनकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मुँह उसे कहता है की सॉरी प्लीज मुझे माफ करना पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर या आप यहाँ पर क्या कह रही हैं मैं केवल यहाँ पर गॉड्सले ट्रायल में अपने आप को क्वालिफाई करवाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ तो मीवू कहती है की ठीक है लगता है की तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो जिससे तुम गॉड ट्रायल में अपने आप को ट्राई करने के लिए जाना चाहते हो जिसके बाद मीवू मोह ऐसी आगे कहती है की ठीक है अगर तुम इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मिशन देती हूँ अगर तुम इस लड़की को जो इस फोटो के अंदर है इसे सही सलामत टावर के अंदर लेकर आ जाते हो तो इस साल के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के तुम क्वालिफाई हो गए पर जैसे ही मो उस फोटो को देखते हुए कहता है कि मास्टर मुझे ये कहाँ पर मिल सकती है तो मीवू मुस्कुराते हुए मो से कहती है कि तुम्हें तो मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है आज से और अभी से तुम तो मुझे आंटी मीवू बोलोगे जो सुनकर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि ठीक है आंटी मैं आपके एक्सेप्ट के लिए तैयार हूँ और बस इसी के साथ ये पार्ट यही पर खत्म हो जाता है